जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है, क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रहे, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले 10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहाँ से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ला आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है, मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं, उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबंध नहीं है और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। श्री संजय सेठ, नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहाँ ठेकेदार 100-200 फीट करके चल बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है, मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मॉनिटरी कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराए और वहाँ पर जो ये घोटाला हो रहा है इसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में और माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिले इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत सारे राज्यों ने 100% घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त की है लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित ही अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता और इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया उसके अतिरिक्त भी जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती है उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेंट माननीय सदस्य के पास में है तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगम लाल गुप्ता, नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र से होकर बहने वाली सही नदी जिसे नमामि गंगे में शामिल किया गया है की सफाई है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जब मिशन गंगा प्रारंभ किया गया था उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना गंगा की सफाई के जब समय ही पूरी स्पष्ट अवधारणा थी कि हम गंगा नदी बेसिन में बहने वाली सभी नदियों गंगा जी की सारी ट्रिब्यूटरी चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्डर की सारी ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ काम करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के बाद अब हमने सहायक नदियों पर भी काम प्रारंभ किया है। जिन सहायक नदियों में ज्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं हम उनमें ऑलरेडी हिंडन में काली में इन सब नदियों पर ऑलरेडी काम प्रारंभ कर दिया है और माननीय सदस्य ने जो सही नदी के बारे में बात की है इस विषय को भी संज्ञान में लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी राज्य सरकार से चर्चा करके रिपोर्ट मंगा करके उस दिशा में भी हम काम करेंगे लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गंगा जी के शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम है ये गंगा नदी के पूरे बेसिन से जुड़ा हुआ है और गंगा नदी के बेसिन की जब मैं बात करता हूँ तो देश की 40% आबादी और लगभग 40% भूभाग को जो है गंगा बेसिन काम कर पे काम करता है और अब जिस तरह से हमने जो है तो बाहर से छोटे छोटे में अंतर क्या रह गया जो हमने सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया इसका प्रभाव दिखाई देने TN प्रतापन डीन कुरियाकोस EB ईटन फिर आग्रह करता हूँ कि आप सदन में अराजकता नहीं फैलाएं। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।